पानीपत शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। 4.5 साल पहले गौशाला मंडी के पास झपट मारी के दोषियों को सुनाई गई 5-5 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी मां पर चाकू से हमला करने के दोषी को पानीपत कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, जबकि लगाया गया 40 हजार रुपए का जुर्माना भी। पुलिस द्वारा तैयार दलालों की सूची में 2 वकीलों के नाम आने से वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखकर जताया रोष। वकीलों ने बैठक कर कहा कि पुलिस ने की है छवि खराब, सूची में उनके नाम हटाकर मांगी जाए माफी। नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवारों को कार ने मारी थी जोरदार टक्कर, घायल ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। महिलाओं से छेड़खानी और अश्लील इशारे करने के दोषियों को सुनाई गई 2-2 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी। स्मालखा थाना के अंतर्गत फैक्ट्री से स्मालखा की तरफ पैदल जा रहे 2 युवकों से मारपीट करके आधार कार्ड व मोबाइल फोन छीनने के 2 आरोपियों को स्मालखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनाना फाटक के पास से किया गिरफ्तार। स्मालखा थाना के अंतर्गत डिकाडला से आटा रोड पर एक युवक से मोबाइल फोन छीनने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को स्मालखा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव आटा से किया गिरफ्तार। पानीपत शहर में पहुंचे नवीन जैन, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाकुंभ में ब्राह्मणों की मांगे पूरी करे सीएम, नहीं तो होगा महायुद्ध। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वैसे पानीपत के साथ नमस्कार।